हेलो गाइस, बंगाल न्यूज का फ्रेश एंड न्यू एपिसोड के आपको स्वागत है, जिस जगह में आपका बंगाल का अपडेटेड एंड इन्वेस्टमेंट न्यूज आप लोग सुन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल का कोलकाता में बारे में। जो नया न्यूज आ रहा है वो है ऑलरेडी केरला में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिस जगह में एसी फेरीज चलता है। पर वेस्ट बंगाल में ऐसा मेट्रो प्रोजेक्ट अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है, पर ऐसा प्लान कर रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक, जो 2020 से वेस्ट बंगाल में जो वाटर फेरीज है उसको अपग्रेडेशन और वेस्ट बंगाल में जो रिवर ट्रांसपोर्ट है उसका अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहा है। इसका ऊपर जो लेटेस्ट एक अपडेट आ रहा है, 13 इलेक्ट्रिक जो एसी फेरीज है वो रन करेगा गंगास का ऊपर से। तो आप लोग ये कटआउट में देख सकते हो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोलाबोरेटिंग विद वर्ल्ड बैंक टू मॉडर्नाइज द फेरी सिस्टम। उसके बाद जो दूसरा न्यूज आ रहा है, कोलकाता का एक बिग पुराना कंपनी जो 1884 में एस्टेब्लिश हुआ था, ब्रेथेट को इंडिया लिमिटेड, जो एक टाइम में इंडियन रेलवेज का बॉगीज कोच मैन्युफैक्चर करता था। रिसेंट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम, इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं था, पर अभी कंपनी 2500 करोड़ का प्रॉफिट दिखा है, जिसे मिनी रत्न स्टेटस भी मिला है। अभी कंपनी रेल ब्रिजेस, क्रेन्स, रेलवे वागन्स मैन्युफैक्चर करता है इंडियन रेलवेज के लिए, जो वेस्ट बंगाल का एक स्टेट ओन्ड कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिसेंटली ये 110 ईयर का बीच में जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट होने का बाद कंपनी देता है उस शेयर होल्डर्स को, वो भी दे चुका है। उसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है श्याम स्टील से, जो 2500 करोड़ बंगाल में इन्वेस्ट करेगा। और जो रघुनाथपुर में जो श्याम स्टील का जो प्लांट बन रहा है बनेगा, उसका जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस वो मिल गया है ऑलरेडी। उसके बाद आता है कर्मा कैपिटल्स बोल के कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड, जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में उसका ऑफिस ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। तो वेस्ट बंगाल में आईटी के साथ कैपिटल कंपनी भी आ रहा है। उसके बाद आता है क्रश एंड वर्कफील्ड बोल के कंपनी, जो कोलकाता में जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसको ऊपर और भी एनालिसिस कर रहा है, और ये ऑलरेडी कोलकाता में इसका ऑफिस भी ओपन कर दिया है। उसके बाद आता है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग सैंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स कंपनी सीडीएशियल लिमिटेड से, जो वेस्ट बंगाल में उसका जो थर्ड प्लांट है वो बनाने जा रहा है, जो कंपनी का डेवलपमेंट एंड वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा। तो उसके बाद जो और एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है वो है आईटीसी इंफोटेक से। आप लोग जानते हैं न्यूटाउन में आईटीसी इंफोटेक ऑलरेडी उसका एक बिल्डिंग बना रहा है, तो उसको छोड़ के भी जो मानी कैसा डोना एक बिजनेस पार्क है, उस जगह में आईटीसी इंफोटेक ऑलरेडी एक बिग ऑफिस स्पेस हायर किया है। उसके बाद आता है डेलॉयट वेस्ट बंगाल से बिग और बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहा है। डेलॉयट का ऑलरेडी सेक्टर 5 में बहुत सारा ऑफिस है, और डेलॉयट उस जगह में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में उसका जो ऑफिस है उसका भी एक्सपेंशन का काम कर रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हो, वेस्ट बंगाल नॉट ओनली आईटी कंपनी, उसको छोड़ के भी डिफरेंट कैपिटल फार्म कंपनी भी आ रहा है। ऐसा टाइप का डेवलपमेंट और न्यूज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और बंगाल न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू ऑल।